हेलो गाइस, मैं हूं केएफ नॉइज़ टेक से और ये है नथिंग का नया फोन 2A। हम इस फोन को 7 दिन से यूज कर रहे हैं एंड मेरा बहुत ज्यादा मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा इस फोन के साथ। बहुत सारे बग्स मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी, कुछ चीजें सॉल्व होती भी दिखी। इस वीडियो में आपको हर चीज डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना, ताकि हर चीज के बारे में आपको पता चल सके। देखो, मैं आज तक समझता था नथिंग एक प्रीमियम ब्रांड है जो अपने आप को प्रीमियम ब्रांड से कंपेयर करना चाहता है, बेसिकली सैमसंग से, एप्पल से, क्योंकि हमेशा वो लोग एप्पल को ही मॉक करता है, हमेशा वो लोग एप्पल को टारगेट करता है। बट इस फोन को निकालने के बाद मुझे ऐसा लगता है नथिंग थोड़ा सा दिशाहीन हो गया है एंड उनको अब एक्चुअल में बजट ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना है। वो हर जगह घुसने को देख रहे हैं, बट क्या ये सही है? क्या ये फोन जो एक्चुअली थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आता है, फोन 1 से बोलो या फोन 2 से, क्या ये सब सही है? सबसे पहले तो मुझे नथिंग की चीप टैक्टिक्स के बारे में बात करना है, चाहे वो फोन 1 हो, चाहे वो फोन 2 हो एंड चाहे वो ये फोन 2A हो। 128GB में व्हाइट कलर का वेरियंट जल्दी सेल्स में रहता ही नहीं। तीनों ही फोन्स के समय मैंने सेल्स में चेक किया, मुझे 128GB व्हाइट कलर में नहीं मिल पाया था। मैंने अपना फोन 1 फोन 2 दोनों ही ब्लैक एंड ग्रे कलर्स में ऑर्डर किए। इस बार सोचा नहीं यार, व्हाइट कलर खरीदते, 2000 ज्यादा देके 256 वाला वेरिएंट लिया मैंने। तो या तो ये लोग 128GB वाले में व्हाइट कलर रखते ही नहीं है, या बहुत कम वेरिएंट रखते हैं ताकि कुछ गिने चुने लोगों को मिले, बाकियों को अगर व्हाइट लेना है तो फिर 256 वाले ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आपको 128 में व्हाइट कलर मिला है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस फोन के परफॉर्मेंस में आने से पहले मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करना चाहता हूं। मुझे ये फोन 14 मार्च को आया, तब ये फोन काफी ज्यादा अनस्टेबल था, बगी था, बैटरी डिसेंट चल रही थी, तब 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे तब आया था। फिर मैंने इसमें 2.5.3 का अगले दिन इंस्टॉल किया अपडेट एंड वहां पे सडनली मेरी बैटरी लाइफ डिप हो गई सीधा 1 घंटे पे। फोन अचानक से हीट हो जा रहा है, जेब में रखे रखे हीट हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने मिल रही थी। फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे फुल चार्ज किया एंड देन बैटरी फिर से सही हो गई, 4 घंटे 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा था। फिर आया नथिंग OS 2.5.4 एंड ये अपडेट आने के बाद जिंदगी यहाँ पे काफी आसान हो गई। यहाँ पे 6 घंटे प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम अब मुझे मिल रहा है, जहाँ पे मैंने गेमिंग आप देखोगे तो 1 घंटे के आसपास की गेमिंग भी कर रखी। अब बैटरी लाइफ काफी इंप्रूव हो गई, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने मिले। यहाँ पे डिमेंसिटी 7200 प्रो है जो बहुत ज्यादा सही काम करता है। पहले अगर मैं कंटिन्यूसली कैमरा ओपन क्लोज ऐसा करता था, काफी ज्यादा जिटर रहते थे, पर अब वो चीज बहुत ज्यादा सॉल्व कर दी नथिंग ने। ओवरऑल परफॉर्मेंस जिटर्स को काफी हद तक कम कर दिया। मैं मतलब इतना बोल सकता हूँ परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे 80% इंप्रूवमेंट है पहले जो जिटर्स से मैं बात करूँ जब ये फोन मेरे पास आया था। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे UFS 2.2 मिलता है, जो बहुत से लोगों को ऑफकोर्स हजम नहीं हुआ था जब ये फोन लॉन्च होता, बट मुझे ऐसा लगता है ठीक है, इतना बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है फोन, 7 लाख के आसपास के एंटूडो स्कोर्स मिलते हैं। नथिंग वाइज 2.5.4 आने के बाद मैंने इसमें गेमिंग टेस्ट भी किया, प्रॉपर 35 मिनट्स के आसपास मैंने इस पे गेमिंग की, गेम एकदम प्रॉपर चल रहा है, 60 FPS गेमिंग कर पा रहा था मैं। जब ये अपडेट नहीं आया था तब गेमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, 30-35 FPS आता था एंड काफी ज्यादा जिटर्स, लैग्स, हीटिंग देखने मिल रही थी, पर अब ये इशूज को काफी सॉल्व कर दिया। हीटिंग की बात करो तो 35 मिनट्स मैंने स्मूथ एक्सट्रीम के ऊपर खेला, तो 39 डिग्रीज के ऊपर ये फोन नहीं गया, जो अगेन बहुत अच्छी बात है एंड फोन मुझे ज्यादा गर्म फील भी नहीं हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे HDR अल्ट्रा मतलब 40 FPS वाली भी गेमिंग सेटिंग मिल जाती है आपको। 35 मिनट्स मैंने गेमिंग किया, अराउंड 8-9% का बैटरी लॉस हुआ, जो मेरे हिसाब से डिसेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस गेमिंग में या सॉफ्टवेयर के मामले में काफी ज्यादा सही लगा नथिंग OS की। यहाँ पे मुझे एक खास बात ये लगती है, यहाँ पे आपको नो ब्लोटवेयर, जीरो बुलशिट मिलता है, जहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। होम स्क्रीन के ऊपर, लॉक स्क्रीन के ऊपर विजिट्स लगा सकते हो, एक नया रिकॉर्डर विजिट आ गया तो आप कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो बिना सामने वाले को बताया कि योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे रहा है नथिंग एंड डेफिनेटली जो इस प्राइस ब्रैकेट में यूनिक है। तो यस, ये फोन यूनिक दिखता है, इस प्राइस ब्रैकेट में इसके जैसे कोई फोन नहीं दिखता है। ट्रांसपेरेंट टाइप बैक है, जहाँ पे आपको पीछे चीजें दिखती है, आपको लगेगा ये ऊपर में ग्लास है बट एक्चुअल में प्लास्टिक है। अब मुझे इस प्लास्टिक से एक ही डर है, जैसे नथिंग के ईयर 1 ईयर 2 में बुरे स्क्रैचेस लगते हैं प्लास्टिक पे, वैसे स्क्रैचेस इस पे ना लगे। हालांकि मैंने व्हाइट कलर लिया तो स्क्रैचेस लगेंगे तो दिखेंगे कम, ब्लैक वाले वेरिएंट में ज्यादा दिखेंगे, बट फिर भी ये प्लास्टिक है तो देखते ओवर टाइम 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद ये कैसे एज करता है, यहाँ पे स्क्रैचेस आते या नहीं आते। कैमरा मॉड्यूल क्यूट लगता है, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा, मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद आया ना बहुत ज्यादा बेकार लगा, ओके लगता है। आजू बाजू उसके ग्लिफ लाइट्स है, ग्लिफ लाइट्स को इस बार कम कर दिया, बट आपको यहाँ पे ग्लिफ लाइट की सारी फंक्शनलिटीज मिल जाएगी जो आपको फोन 1 फोन 2 मिलती है, एक्सेप्ट एक चार्जिंग इंडिकेटर, बाकी सब कुछ है यहाँ पे, जैसे टाइमर है, उबर, जोमैटो, सारो के प्रोग्रेस टाइमर दिखाएगा, एसेंशियल नोटिफिकेशंस के लिए दिखाएगा। ये काफी काम की चीज है कई लोगों के लिए, मेरे लिए इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे उल्टा फोन रखने की आदत नहीं, मुझे सीधा ही रखने की आदत है, बाकी जिसके लिए काम की चीज है डेफिनेटली उसको काम आएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, नथिंग पहले एप्पल से कंपेयर करना चाहता था अपने आपको, अब बजट ब्रांड से कंपेयर कर रहा है। ये लोगों ने प्रीमियम मेटालिक फ्रेम को हटा के यहाँ पे दे दिया प्लास्टिक, एक प्रीमियम ग्लास बैक को हटा के यहाँ पे दे दिया प्लास्टिक पीछे भी, तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि नथिंग अपने आप को जो ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाह रहा था पहले, क्या प्रीमियम मटेरियल्स दे रहे एट एन अफोर्डेबल प्राइस, वो चीज अब यहाँ पे मिसिंग
प्राइसिंग है। अब आप नीचे कमेंट करोगे भाई 24,000 में नथिंग सब कुछ तो नहीं दे सकता, डेफिनेटली सब कुछ नहीं दे सकता, बट मुझे ऐसा लगता है नथिंग अपने आपको जो प्रीमियमनेस फील से एस्टैब्लिश कर रहा था, जहां पे मेटालिक फ्रेम, ग्लास बैक मिल रही, वायरलेस, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, चलो वायरलेस एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कभी इतनी काम की चीज नहीं है, मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते, ठीक है उसको ड्रॉप किया, बट प्रीमियम मेटालिक फ्रेम एटलीस्ट नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, मुझे लगता है वो काफी ज्यादा काम की चीज है एंड इस फोन में भी होनी चाहिए थी। और इसके बटन आपको मेटालिक मिल जाएंगे, ये व्हाइट वाले में ब्लैक बटन मिलते हैं जो दिखने में एकदम सुपर ब्लैक थे, और ये जो कैमरा है ये बैक के अंदर ही इन्फ्यूज्ड है, तो कोई भी आपको गैप्स जैसी कुछ नहीं मिलेगी। अच्छा ओवरऑल बैक भी अच्छा दिखता है, सामने से अच्छा दिखता है, 190-192 ग्राम्स के आसपास का वेट है, तो ज्यादा वेट भी नहीं है, इन हैंड फील अच्छा रहता है क्योंकि बॉक्सी है, अपने पैरों पे आराम से खड़ा हो जाता है। नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट स्पीकर मिल जाएगा, एक सिम ट्रे मिल जाएगी जहां पे आपको सिम 1 एंड सिम 2 का ऑप्शन है, हाइब्रिड नहीं है ये याद रखना, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम बटन, राइट साइड पे लॉक बटन, ऊपर आपको एक माइक मिल जाएगा। अब कई सारे ब्रांड्स अब प्लास्टिक देते हैं फ्रेम में, तो ऊपर डिस्प्ले की प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 ही दिया, विक्टस नहीं दिया, विक्टस प्लस नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस रहता था ऊपर में, एटलीस्ट हमें थोड़ी सी ज्यादा सेफ्टी अश्योरिटी रहती थी कि फोन गिरेगा तो टूटने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक IP54 की रेटिंग मिल जाती, तो हल्के फुल्के पानी के स्प्लैशेस भी आए तो कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं इसका डिस्प्ले, जो मुझे इस प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा पसंद आया। 6.78 इंच है, एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, एक 10-bit पैनल है, फ्लैट है पूरा और अमेजिंग दिखता है, छोटे से छोटे बेजल जो इस डिस्प्ले को बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है एंड अमेजिंग क्वालिटी। HDR कंटेंट आप देख सकते हो YouTube के ऊपर, बट Netflix के ऊपर नहीं देख सकते क्योंकि वहां पे सर्टिफिकेशन नहीं है। पंच होल को इस बार सेंटर में कर दिया, तो ओवरऑल डिस्प्ले ज्यादा अच्छा सिमेट्रिकल भी दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती है, तो 30, 60, 90, 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच होते रहती है। अब जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1300 nits, बट एक्चुअल में आपको जो देखना है वो है 1100 nits की हाई ब्राइटनेस मोड। हाई ब्राइटनेस मोड अच्छा है, आउटडोर में कोई इशू नहीं जाता है, आराम से सब कुछ दिख जाता है। अब HDR वीडियो अगर आपको YouTube पे सपोज देखते हो जहाँ पे ये 1300 nits जाना चाहिए, वहाँ पे डेफिनेटली जाता ही है 1300 nits के ऊपर, बट थोड़े से HDR एरियाज को ओवर एक्सपोज कर देता है, थोड़ा सा मुझे ये इशू दिखा जहाँ पे नथिंग को हल्का हल्का डिस्प्ले के ऊपर काम करने की मे बी एक अपडेट के थ्रू इसको कैलिब्रेट करने की जरूरत है। बाकी आप HDR कंटेंट नहीं देखते हो, जो मैक्सिमम लोग नहीं देखते तो उनको ये इशू के बारे में पता भी नहीं चलने वाला। और इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट है, 1 tap पे अनलॉक कर देता है, बस थोड़ा सा अगर ऊपर रहता तो थंब की रीचेबिलिटी इंप्रूव हो जाती थी। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की बात करते यहाँ पे 13 5G के बैंड मिल जाते हैं आपको, दोनों सिम में आपको 4G 4G+ मिल जाता है, ऑफकोर्स दोनों सिम में 5G भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3, NFC मिल जाता है, VoNR मिल जाता है, एयरटेल एंड जियो दोनों पे ही टेस्ट कर लिया, दोनों पे 5G परफेक्टली वर्किंग है, कॉल्स पे कोई इशू नहीं जाता है। कॉल रिसेप्शन की बात करूँ या कॉल क्वालिटी की, सामने वाले को भी अच्छी आवाज जाती है माइक से, आजू बाजू की आवाज थोड़ी बहुत कैंसिल आउट भी कर देता है एंड सामने वाले की आवाज भी आपको अच्छे से आ जाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, नथिंग ने पहले अपने आपको बताया कि हम सैमसंग एप्पल से कम्पीट कर रहे हैं, बाद में अब ये लोग ने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करके अब बोल रहे हैं हम बजट ब्रांड से कम्पीट कर रहे हैं। तो अगर बजट ब्रांड से कम्पीट कर रहे हो तो इसके बॉक्स में चार्जर मिलना चाहिए, इसके बॉक्स में चार्जर नहीं दे रहे, यूजुअली जो हमें फ्लैगशिप फोन्स में ही सिर्फ देखने मिलता है। सैमसंग वालों की बात अलग है, सैमसंग वाले बजट में भी नहीं देते, वैसा ही अब नथिंग भी कर रहा है कि आपको बजट फोन में भी चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है। अराउंड 70-80 मिनट्स लगते हैं इस फोन को फुल चार्ज होने में। कैमरास की बात करूं तो दोनों ही लेंसेज यहाँ पे 50 megapixel की, एक मेन और एक अल्ट्रा वाइड। अपडेट के पहले जब कैमरा इंप्रूवमेंट्स नहीं आए थे, फोटोज काफी अंडर एक्सपोज्ड आती थी, बट अब काफी हद तक एक्सपोजर को मेंटेन किया गया, थोड़ा सा फिर भी प्लीजिंग टू द आई लगती है। थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन लगती है मुझे कभी कभी किसी किसी फोटोज में, मे बी अगर आपको सैचुरेटेड कलर्स पसंद आते हैं देन आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल्स काफी हद तक आ जाती है एंड HDR कंट्रोल इंडोर में अच्छा रहता है, कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक रेंज में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब आप एक ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहता है इसलिए पीछे थोड़ा डायनामिक रेंज इशू आता है। एंड सेम चीज पोर्ट्रेट मोड में भी मैंने देखी, पोर्ट्रेट मोड में सरप्राइजिंगली यहाँ पे मुझे एज डिटेक्शन काफी सही लगा, ओवरऑल डिसेंट फोटो रहती है, बट थोड़ा सा डायनामिक रेंज के कारण कभी कभी फोटो इतनी ज्यादा अच्छी लग के नहीं आती है। अल्ट्रा वाइड फोटोज काफी डिसेंट है एंड काफी हद तक नथिंग ने दोनों ही लेंसेज के बीच में कलर्स इवन रखने की कोशिश की, बहुत ज्यादा कलर शिफ्ट देखने नहीं मिलेगा, डिटेल्स मिल जाती है आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज में, साथ ही साथ सैचुरेशन अगेन जैसे मेन लेंस मिलती है वैसी कुछ हद तक आपको अल्ट्रा वाइड लेंस के ऊपर भी देखने मिलेगी। नाइट शॉट भी काफी डिसेंट मिलता है, कलर्स कभी कभी थोड़े से म्यूटेड आते हैं एंड एक चीज मैंने देखा यहाँ पे ओवर स्मूथनिंग नहीं होती है, बेसिकली वहाँ पे नॉइस को बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जब नॉइस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है तो ओवर स्मूथनिंग ज्यादा अच्छी नेचुरल फोटो नहीं दिख कर आती है, इसलिए नॉइस के साथ थोड़ा सा इवन स्मूथनिंग रखने की कोशिश करता है जो प्लीजिंग टू द आई लगती है। ऑफ कोर्स नॉइस दिखेगी आपको बट फिर भी ओवरऑल डिसेंट फोटो आपको एक मिल जाती है। उसके बाद इसके सेल्फी कैमरा की बात करूं तो काफी अच्छा है, डिटेल भी मिल जाती है एंड सरप्राइजिंगली मुझे पोर्ट्रेट मोड भी काफी सही लगा। तो गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30fps में मेन कैमरा से, तो आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख सकते हो, डिसेंट क्वालिटी दिख रही है मुझे, डायनामिक रेंज हैंडलिंग भी काफ़ी सही दिख रहा है एंड अभी ये 30fps में, ऑफ कोर्स मेन वीडियो हमारी 24fps रहेगी तो थोड़ी सी डाउन फ्रेम हो जाएगी,
आपको चाहिए तो मैं मेन एक्चुअल कैमरा सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स नीचे ड्राइव में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये क्वालिटी ठीक दिख रही है, बस वीडियो थोड़ा सा वार्म ज़्यादा दिख रही है, थोड़ा एक येलो स्टोन है आप इस साइड पर देख सकते हो। और अगर आप सपोज मेन कैमरा से व्लॉगिंग करते हो तो ऐसी कुछ क्वालिटी मिलेगी आपको, ये 4K 30 FPS में ही बन रहा है। तो ये देखकर आप मुझे बताओ आपको ये क्वालिटी कैसी लगी, डायनामिक रेंज पीछे का कैसा हैंडल हो रहा है। इस फ़ोन के अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी आप 4K 30 FPS ले सकते हो, ये अच्छी बात है। बट एक्चुअल में वीडियो के बीच में स्विच नहीं होता है, पहले हमने देखा वो 1x के ऊपर था मेन कैमरा लेंस से, अब ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हो ये अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो 50 मेगापिक्सल सेंसर है उससे हम ले रहे हैं 4K 30 FPS। मेन कैमरा में आपको 1x के साथ 2x मिलता है, बट अल्ट्रा वाइड पे स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब जो फ्रंट कैमरा है ये 1080p 60 FPS शूट कर सकता है, तो ये काफ़ी स्टेबल फुटेज मिलेगी आपको। बट ऑफकोर्स फिर से हमारी वीडियो 24 FPS पर रहेगी, मैं नीचे ड्राइव में दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, ऐसी कुछ वीडियो मिलेगी। पीछे का डायनामिक रेंज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट अगर मैं फ्रेम में नहीं हूँ देन डायनामिक रेंज को थोड़ा सा बेटर हैंडल कर पाएगा, जैसे ही मैं फ्रेम में आऊँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसे। ओवरऑल डिसेंट क्वालिटी दिख रही है फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ। ओवरऑल मैं बात करूँ जब ये आया था उससे ये काफ़ी इंप्रूव तो हुआ है डेफिनेटली अपडेट के थ्रू, थोड़ा बहुत और नथिंग इसको सुधार सकता है, बट फिर भी अभी मैं बोल सकता हूँ यस ये एक अच्छा कैमरा है एंड आपका बिल्कुल इससे काम निकल जाएगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा प्राइस के हिसाब से नथिंग ने अच्छे हैप्टिक्स दी, अच्छे टक 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 वाले वाइब्रेशन मिल जाते, कॉल आता है तो पता चलता है, एंड साथ ही साथ ग्लिफ लाइट्स के साथ वाइब्रेशन को जो मैच किया गया, जो प्रॉपरली लिंक किया गया, कॉल आता है, नोटिफिकेशन आते हैं, वो काफी सही काम कर लेता है। इसी के बाद यहाँ पे डुअल स्पीकर्स भी है जो काफी लाउड है, बहुत ज्यादा बेस नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा टूवर्ड्स द फ्लैटर एंड, बट फिर भी ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा डुअल स्पीकर एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस थे जो खत्म किए गए, यहाँ पे कैमरा में इंप्रूवमेंट्स किए गए, बैटरी लाइफ को काफी सुधारा गया। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है अभी नथिंग इसके सॉफ्टवेयर वाइज काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, एंड मैं आपको ये अभी रिकमेंड कर सकता हूँ। बट फिर भी अगर आप थोड़े से भी अनश्योर हो मैं बोलूंगा रुक जाओ, एक दो महीना वेट करो, देखो नथिंग इसके सॉफ्टवेयर और कैसा काम करता है, उसके बाद आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स नथिंग ने थोड़ी सी फिलोसफी जो चेंज की, यहाँ पे प्लास्टिक वाली डिजाइन देकर, वो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी। बाकी ओवरऑल ये अच्छा फोन है एंड फॉर द प्राइस आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको इसको अभी बाय करना है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।